हाय एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीम स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, तो आप कैसे उनको कम से कम समय में सॉल्व कीजिएगा। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि है उन लोगों के लिए जिनका अभी रिटर्न रह रखा है, वो ये है कि वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पेपर, मतलब 3 से 4 सैंपल पेपर सॉल्व करें दिन में, जिससे कि उनको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका क्या लेवल है, वो हर सेक्शन में अच्छा स्कोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको किस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ये सब भी आपको पता लग जाएगा। और एनालिसिस कीजिएगा कि आपकी किस चीज़ में गलती है, फिर उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि आप दिन में 4 से 5 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें ही करें, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, राम सिंह यादव और आपके एसके के नोट्स होते हैं, सैंपल पेपर होते हैं, ठीक है। तो उनको सॉल्व कीजिएगा और हफ्ते के एंड में उन सारे क्वेश्चंस पेपर को दोबारा से सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आप 50 क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वरना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने एक बार एग्जाम जैसे एक सैंपल पेपर कर दिया, आपके सपोज 40 क्वेश्चंस करेक्ट हैं और 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, तो वो 10 क्वेश्चंस भी आपको ये ट्राई करना है कि वो आप करेक्ट कर पाए, तो उसको भी सॉल्व कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और हफ्ते के एंड में उन सारे क्वेश्चंस को पेपर को सॉल्व करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ये गलती थी और आपने ये सॉल्व कर दी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडियन आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। और इससे पहले आप कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, जितने भी आपके आंसर सही होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और बाकी के लोगों का भी देखिएगा कि इनका कितना स्कोर हो रहा है। आपके साथ वाले ये सारे के सारे, इन्होंने भी आर्मी का पेपर ही देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिएगा इंडियन आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ आप कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं 50 में से और आपका क्या स्कोर रह रहा है, उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, मतलब किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को, या फिर पोएट्स को, साइंटिस्ट को, एक्टर्स को, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि 2020 में मेंस क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया, तो आपका आंसर हो जाता ईशान शर्मा को 2020 में मेंस क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड दिया गया। वहीं वुमेन्स क्रिकेट में दीप्ति शर्मा को दिया गया। और एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किससे रिलेटेड है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बट इसमें अर्जुन अवार्ड में आपका स्पोर्ट्स प्लेयर को दिया जाता है और द्रोणाचार्य अवार्ड में स्पोर्ट्स के कोच लोगों को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज, कश्मीर वैली का मेन सिटी कौन सा है, मतलब कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर। श्रीनगर को कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नन ऑफ दीज, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे को आधी रात का सूरज कहा जाता है, वहां 6 महीने उजाला रहता है, 6 महीने अंधेरा रहता है, इसलिए भी इसे नॉर्वे को मिडनाइट सन कहा जाता है, ठीक है, आधी रात का सूरज। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था इससे ही रिलेटेड कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो वो आपका आंसर हो जाता उसमें जापान। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, ठीक है। अगर इंडिया से पूछा जाए, इंडिया से अगर आपसे पूछता कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाता अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते आपका मंडुक्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते मंडुक्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
है आपके पास, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके पास उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा में आपका चिल्का झील है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल ऑफ मिजोरम इज, तो इसका बहुत ही आसान आंसर है आइजोल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। वहीं शिलोंग किसकी राजधानी है? शिलोंग आपकी मेघालय की राजधानी है। और इम्फाल किसकी राजधानी है? इम्फाल की मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, और नन ऑफ दिस का तो आप खुद ही बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहू इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो बिहू आपका है आसाम का। ठीक है, पंजाब का डांस, ट्रेडिशनल डांस कौन सा है? गिद्दा, भंगड़ा, ये सब पंजाब के डांस हैं। वहीं अगर बिहार के डांस हो तो उसमें आता है जट जटिन, कजरी, फगुआ। फगुआ बेसिकली बिहार में होली के टाइम पे खेला जाता है। तो ये इनके आंसर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास जेम्स, टेम्स, हेम्स, थेम्स। तो इसका राइट आंसर है थेम्स, लंदन आपका थेम्स नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। तो आपके पास नाइन्थ क्वेश्चन है, बाय यूजिंग अ मैप यू कैन फाइंड, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास डिस्टेंस, डायरेक्शन, अल्टीट्यूड, दूरी, दिशा और ऊंचाई। तो आप मैप के द्वारा डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्शन भी कर सकते हो, अल्टीट्यूड भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो आप मैप के द्वारा ये सब फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 10th क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, तो सुप्रीम कमांडर कौन है आर्म्ड फोर्स का? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है, कौन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इनमें से कौन, इन इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? ऑप्शन है आपके पास पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अरब महासागर। तो इसका राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है वो आपका लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट ओशियन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पुर्तुगीज इन, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? ऑप्शन है आपके पास 1947, 1965, 1961, 1960। तो इसका राइट आंसर है आपका 1961, 19 दिसंबर 1961 को भारत के मिलिट्री फोर्सेस ने पुर्तगालियों को भार भगाया था। ठीक है, मार भगाया था। तो पुर्तुगीज एक ही एक ऐसी कंट्री है जो सबसे पहले आई थी और सबसे आखिरी में गई थी, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। आपको जैसा पता ही होगा 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा आपका इंडिया आया था। ठीक है, वो पुर्तगाल से ही था पुर्तुगीज, इसलिए पुर्तुगीज को, पुर्तगाल को फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले इंडिया में आए थे और सबसे आखिरी में भी वही गए थे। 1947 में देश भले ही आजाद हो गया था पर गोवा आजाद नहीं हुआ था, गोवा को 1961 में आजाद कराया था पुर्तगालियों से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13th, पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके पास सीन, थेम्स, वोल्गा, नन ऑफ दीस। तो राइट आंसर है आपका सीन, पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो आपका राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए, रेवा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ। तो लखनऊ में ही आपका नेशनल बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट है, वहीं नेशनल बॉटेनिकल गार्डन भी है, ठीक है, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अपने आंसर भी काउंट करते रहिए कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज H1N1? H1N1 क्या है? कफ है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन किसे बोलते हैं? स्वाइन आपका पिग होता है, पिग, पिग को स्वाइन बोला जाता है, तो ये पिग से फ्लू फैलता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज लाफिंग गैस? ठीक है, इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ दे तो क्या बोलोगे? N2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज? एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, ओर बोलते हैं जिसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका इंपॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 18th, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसी के द्वारा हम गैस मतलब आग जो लगी रहती है उसको बुझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैमल विच ले एग्स इज, इनमें से कौन सा स्तनपाई जीव अंडे देता है? बैट, कंगारू, स्क्वायरल, डगबिल्ड, प्लेटिपस, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, डगबिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद, तो जो लेप्रोस्कोपी है वो किससे जुड़ा हुआ है? रेडार, साइंस ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ लेजर बीम्स, या फिर जाइनेकोलॉजिकल ऑपरेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइनेकोलॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा और आपके भी सही आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, तो जो आपका पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, कौन सी है मतलब, ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपकी 1, 2, 3 है, और प्लाज्मा आपकी क्या है? फोर्थ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, कौन सा इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है? ठीक है, यूरिया है, या फिर अमोनियम सल्फेट है, या फिर CAM है, या फिर NPK है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, कौन से विटामिन आपका गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है, मतलब रिच सोर्स है, ठीक है, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड इज अ डिजीज ऑफ, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? लीवर में होती है, फेफड़े में होती है, लंग्स में होती है, स्टोमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है? तो जो टाइफाइड होता है वो आपका आंत में होता है, मतलब इंटेस्टाइन में हो जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन, आंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूथ विद थ्री रूट्स इज, तीन जड़ों का दांत होता है, कौन सा होता है? मैक्सिलरी मोलर, या फिर प्री मोलर, इंसीजर, कैनाइन? दाढ़, अंग्रदाढ़, कृंतक, रदनाक, ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, मैक्सिलरी मोलर ही आपका थ्री रूट्स का दांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, सलाइवा जो कि लार होता है किसके
के पाचन में मदद करती है? तो ये आपके स्टार्च के पाचन में मदद करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्टार्च। ठीक है, आई होप सभी के आंसर सही आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू, कम दर्शिता की वजह है। ऑप्शंस आर शिफ्टिंग ऑफ द आयरिस, वीकर मसल्स, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल्स या फिर वीकनिंग ऑफ रेटिना। इसका राइट आंसर है आपका वीकनिंग ऑफ द रेटिना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेटिना का कमजोर होना ही कम दर्शिता की वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके पास 28th, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? ए 1 kg, बी 1200 grams, सी 1350 grams, डी 1500 grams। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन है सी 1350 grams, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा? ऑप्शंस हैं 0 degree, 4 degree, 100 degree Celsius, 10 degree Celsius। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 degree Celsius, इसका होता है 3.98 degree Celsius के अप्रॉक्स। ठीक है, अगर इसी को फ़ारेनहाइट में बोलो तो 39.16 degree Fahrenheit। ठीक है, इसके साइज को कम कर लेते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू एयर, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि, कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा रोग है जो आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं प्लाग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा। प्लाग टाइफाइड है, सैर रोग है जा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ही है जो कि हवा के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। तो ऑप्शंस हैं विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो होता है वो हमें यूवी रेज से बचाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो ओजोन लेयर होती है वो एक लेयर होती है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जो कि जो सन से यूवी रेज निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी यूवी रेज। ओजोन लेयर मतलब जो ओजोन लेयर होती है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 32, एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट्स ऑफ, प्योरिफाइड, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, कौन सा ईंधन होता है? पेट्रोल, कैरोसिन, गैसोलीन या फिर डीजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोसिन। एविएशन फ्यूल जो हवाई विमान होते हैं उसमें कैरोसिन शुद्ध ईंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, स्टोमक, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है? पेट, जिगर, गुर्दे या फिर पाचक ग्रंथि। तो पेट आपका कोई ग्लैंड नहीं है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय, तो किस, ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जाती है? ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर है इंफ्रारेड रेज। इसका राइट आंसर इंफ्रारेड रेज है, पर इसके लास्ट में ऑप्शन में विजिबल लाइट दे रखा है, इसमें मुझे डाउट है विजिबल रे में और इंफ्रारेड रे में। मेरे को जितना पता है उसके हिसाब से इंफ्रारेड इज द राइट आंसर, बाकी आप भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट 35 आपका क्वेश्चन है, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, तो जो आपका पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेरियम के ही द्वारा पटाखों में हरी आग उत्पन्न होती है, मतलब बेरियम ही इसकी वजह है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैथ्स के सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 36 मैथ का क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 12,500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 125 मीटर। आपको एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, तो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हिंदी में पढ़ लेता हूं, एक आयतकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल हमें गिवन है 12,500 मीटर स्क्वायर वर्ग, और उसकी लंबाई भी हमें गिवन है 125 मीटर, तो उसकी परिधि क्या होगी, तो फाइंड आउट कीजिए। और उसके बाद पॉज, पहले तो पॉज करके अपने आप निकालिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा। ठीक है, पैरामीटर का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बता देता हूं, 2l+b। ठीक है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, मतलब 2l+2b पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का ये फॉर्मूला है। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरिया होता है आपके पास l × b। ठीक है, अब एरिया गिवन है, एरिया कितना है आपके पास 12,500, लेंथ भी आपके पास गिवन है 125। अब क्योंकि आपको पैरीमीटर निकालना है तो उसके लिए आपको ब्रेथ भी पता होनी चाहिए, तो ब्रेथ हम इससे निकाल देंगे। ठीक है, ब्रेथ आ जाएगी आपके पास, ये तो यहीं पे कट जाएगा, 125 × 125 और 2 0 का 2 0। ठीक है, ब्रेथ आ गई आपके पास 100 मीटर। तो अब हमें पैरीमीटर निकालना है, जो कि हम बड़े आसानी से निकाल देंगे। पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b। लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ है आपके पास 125 प्लस ब्रेथ कितनी है आपके पास, ब्रेथ हमने अभी फाइंड आउट की कितनी है 100। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 125 प्लस 100 कितना होता है 225। अब इसका 2 5 10 का 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5 2 2 4 450, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें निकल गया। आई होप आ गया होगा आपके समझ में, नहीं आया होगा तो थोड़ा पॉज करके, मतलब बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 37th, इफ 10, 20, x and 14, 40 आर इन अ प्रोपोर्शन द वैल्यू ऑफ x विल बी, यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं, यहां पे कराते हैं। देखो ये हमें गिवन है, ये प्रोपोर्शन में है, 10:20 और x:40। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप इस 20 की मल्टीप्लाई इस x से कर दो और इस 40 की मल्टीप्लाई इस 10 से कर दो, तो जो भी आएगा उन दोनों को इक्वल कर दो, जैसे 400 = 20x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको 20 से की टेबल में कट रहा है, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाके डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में हम यहीं पे डायरेक्ट काट दे रहे हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा एक, तो फिर 220 = 40, मतलब 20 होता है 400, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, देखो इसको ही हम 10/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x/40 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से x की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल दोगे, x इक्वल टू जाएगा 400/20, 0 से 0 कैंसिल, 220 = 40, तो 20 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास 38th क्वेश्चन पे। अब आपसे बोल रहा है इफ, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि आपका क्या आंसर आया है, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा। ठीक है, इस पर मेरे को ज्यादा समझाना है तो मैं इसको पहले कहीं पे स्पेस, एक सेकेंड, जगह बना लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन में गिवन है, अगर 10th जनवरी, 10 जनवरी है 2004 को ट्यूसडे होता है, तो व्हाट विल बी द डे ऑन 10th जनवरी 2005? इसको पहले खुद से कीजिए, और अगर नहीं आता है तो तब वीडियो प्ले कीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा 10 जनवरी 2005 को? देखो, इसको करने का तरीका है, उसके पहले आपको उसको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, उसको मैं आपको नॉलेज देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने डेज होते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं चेंज करता हूँ कलर। ठीक है, तो एक साल में जैसे कि आपको पता है, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, अगर वो साल लीप ईयर नहीं है, अगर वो साल लीप ईयर है तो तब कितने होते हैं? अगर वो साल लीप ईयर है तब कितने होते हैं? तब होते हैं आपके पास, एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि फरवरी 29 जाता है। अगर वो लीप ईयर हुआ तो ये कंडीशन किसके लिए है? लीप ईयर के लिए है। ठीक है, उसमें 29 फैब जाता है, अगर नॉर्मल साल है। ठीक है, तब तो वो 365 डेज आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखना जरा इधर, 365 डेज का मतलब क्या है उसमें? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उसको 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7 × 5 = 35, है ना? 7 × 5 = 35, 35। फिर 1 कैरी बचेगा, 15 होगा, 7 × 2 = 14। एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा, इसका मतलब है कि 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे, है ना? अगर वो साल लीप ईयर नहीं है तो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अब लीप ईयर, जैसे मैंने आपसे बोला कि लीप ईयर, तो लीप ईयर कैसे पहचानते हैं हम? लीप ईयर निकालने का तरीका होता है, कोई भी अगर उसका ईयर है, जैसे सपोज 2020 है, ठीक है, इसको हम लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है। अगर 2020 लीप ईयर है तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से। तो जैसा कि ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 4 × 5 = 20, 0 × 4 × 5 = 20। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो ये एक लीप ईयर है। अगर वहीं मैं आपसे पूछ लूं कि 2019 एक लीप ईयर है कि नहीं है, तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही 2016 कंप्लीटली डिवाइड होगा, 2012 डिवाइड होगा, मतलब 2012 डिवाइड होगा, 2008 डिवाइड होगा, और 2004 भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2004 भी एक लीप ईयर है, उसमें भी फरवरी 29 महीना जाएगा। अच्छा, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, देखो ये 52 वीक्स और 1 डे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, लेट सपोज कि अगर आज की तारीख में 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे है, ठीक है, 1 जनवरी 2021 को लेट सपोज कि फ्राइडे है, आई डोंट नो फ्राइडे है कि नहीं है, पर लेट मान लिया कि 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे है, तो हमें अगर पूछा जाए कि 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, तो एक साल में आपको अभी बताया था, एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 डेज होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक दिन फालतू होता है, तो फ्राइडे में एक दिन फालतू होगा। 52 हफ्ते तो होंगे ही होंगे, मतलब 52 हफ्ते होंगे, जैसे आज फ्राइडे है तो एक हफ्ते बाद फ्राइडे, फिर 2 हफ्ते बाद फ्राइडे, तो 52 हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा, प्लस 1 डे फालतू का है ये, तो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, 2021 कोई 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसमें 365 डेज होंगे, तो फ्राइडे में एक दिन फालतू जुड़ जाएगा, तो फ्राइडे के बाद क्या बन जाएगा? +1 सैटरडे। ठीक है, तो ये आपका सैटरडे हो गया, इतनी कहानी याद रहेगी। अब इस पे आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। देखो, मेन क्वेश्चन क्या था आपका? अब ये 2004 कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 से, तो ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब क्या हुआ? यहां पे देखना, इसमें 366 डेज होंगे, 366
366 डेज का मतलब क्या हुआ, 7 5 35, 7 2 14, 52 तो हफ्ते होंगे प्रॉपर प्रॉपर, पर उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि 2 रिमाइंडर बचा, 16 हो रहा है ना, 14, 7 2 14 और 16 कैरी हो रहा था, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, ठीक है, तो 52 हफ्ते होते हैं इसमें लीप ईयर में, प्लस 1 डे, 52 वीक्स एंड 2 डे, सॉरी 2 डेज, सेकेंड 52 वीक्स होते हैं प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो जैसे इसमें 1 जनवरी 2021 में कोई लीप ईयर नहीं होता, तो अगर आप एक साल बाद जाओगे तो आपको कितना ऐड करना है, प्लस 1 ऐड करना है। क्यों 1 ऐड करना है, क्योंकि ये 365 डेज होते हैं उसमें 1 डे एक्स्ट्रा होता है, इसलिए आपको 1 ऐड करना है, पर इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं लीप ईयर में, तो आपको इसमें 2 ऐड करना है, तो ट्यूसडे में 2 ऐड कर दो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे। 2 ऐड क्यों किया, क्योंकि ये लीप ईयर है, 2004 एक लीप ईयर है, तो इसमें जो आपका फरवरी 29 जाएगा ना कि 28, तो इसलिए हम 2 ऐड कर रहे हैं, वरना हम कितना ऐड करते, प्लस 1, ठीक है, जैसा हमने इसमें किया, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था, 2021 एक लीप ईयर नहीं था, तो इसलिए इसमें हमने 1 ऐड किया और इस वाले में हमने 2 ऐड किया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, थर्सडे, ठीक है, इसको दोबारा से, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके, इसका तो ऑप्शन आपको पता चल गया है, थर्सडे इसका राइट आंसर है, क्योंकि ट्यूसडे था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, 2 दिन फालतू होते हैं लीप ईयर में एक साल के अंदर, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके लिए भी हमें जगह बचानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, A cyclist covers 12 किलोमीटर इन एन आवर, ठीक है, एक घंटे में कोई साइकिल वाला है वो कवर करता है 12 किलोमीटर, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर मिनट। तो आपके ऑप्शन किस में है, मीटर पर मिनट में निकालना है आपको। तो ये जो 12 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर, कितने टाइम में कवर कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला होता है, टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर ले रहा है, ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है आपका 1000 मीटर, ठीक है, तो 12 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 12 × 1000 मीटर, ठीक है, और 1 आवर इक्वल टू कितना, मिनट, मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 आवर इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट्स। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 2 × 100 आपका हो जाएगा 200 मीटर पर मिनट, ठीक है, 200 मीटर पर मिनट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, अब ये देखो ऑप्शन में आपके मीटर पर सेकंड में दिया है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में ऑब्वियसली, तो स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब, पर का मतलब होता है डिवाइड, आर का मतलब 1 आवर में, ठीक है। अब किस में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 से तो 1000 ही आएगा, ठीक है। अब 1 आवर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, तो 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, अब 60 मिनट को भी सेकंड में करना है, तो 60, हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 सेकंड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा 1000 / 3600 मीटर पर सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, द कॉस्ट ऑफ पैलेस को मिटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द कॉस्ट ऑफ 18 बनानास एट द रेट ऑफ ₹4 per dozen विल बी, ठीक है। तो 12, 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक दर्जन का मूल्य है ₹4, ठीक है। एक दर्जन मतलब 1 डजन, उसमें एक दर्जन में कितना होते हैं, 12 बनानास होते हैं, उसकी कीमत हमें कितनी दे रखी है, ₹4, है ना, ₹4 per dozen है। तो अगर हम इससे 1 केले की कीमत निकालें तो 4 / 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 1 = 4, 4 3 = 12, इसका आंसर आ जाएगा 1/3 rupees एक बनाना की कीमत। पर हमसे एक बनाना की नहीं पूछी है, किसकी पूछी है, 18 बनाने की। तो इसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 18 से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 18 bananas = 18/3 rupees, 3 6 = 18। तो 18 बनाना की कीमत कितनी हो गई, ₹6। इतना आंसर सभी का आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12 men एंड 18 women। पहले तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये जो एंड है ये नहीं है, एंड नहीं लिखा होना चाहिए यहाँ पे, और लिखा होना चाहिए, ठीक है। 12 men ऐसा क्यों लिखा होना चाहिए, आगे चल के आपको बताऊंगा। 12 men और 18 women कैन रिप अ फील्ड इन 14 days, 8 men एंड 16 women कैन रिप द सेम फील्ड इन, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाते हैं, तो बताइए कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई में कितना समय लेंगे, ठीक है। ये तो मैन डे आर वाला कंसेप्ट है, आपको फॉर्मूला पता होगा, मैन इंटू, देखो एक सेकेंड, m1d1h1/w1=m2d2h2/w2, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे और लगा होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, एंड नहीं आएगा इसमें, और लगा हुआ आएगा, ठीक है। और का मतलब होता है 12 आदमी काम करेंगे तो 14 दिन लेंगे, 18 महिलाएं काम करेंगी तो 14 दिन लेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 12 men = 18 women, और वाले का यही मतलब होता है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, 12 men = 18 women, ठीक है। क्योंकि 12 men भी 14 days ले रहे हैं, 18 women भी 14 days ले रहे हैं, या तो आप 12 आदमियों से काम करा लीजिए या फिर 18 women से काम करा लीजिए, वो 14 days ही लेंगे उसको रिप करने में, मतलब उसकी कटाई करने में, ठीक है। तो ये कुछ कट रहा होगा, 6 की टेबल में कट रहा है, 6 2 = 12, 6 3 = 18, तो आपका आ रहा है 2 men = 3 women। तो जो दो दो आदमी है वो 3 women के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मैन की एफिशिएंसी है वो है 3, अब वुमेन की एफिशिएंसी है वो है 2, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, इक्वल टू, ये डब्ल्यू है तो वो दूसरे साइड जाके डिवाइड में जाएगा ही ऑब्वियसली, और ये जो 2 मैन के साथ मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में चल जाएगा, ठीक है। तो मैन की एफिशिएंसी 3 हो गई और वुमेन की 2 हो गई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद, एक सेकेंड ना, देखे अब हमसे गिवन है 12 आदमी 14 दिन में करते हैं और 18 वुमेन भी 14 दिन में करते हैं, ठीक है। अब आपको वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला पता होगा, आपको इसमें काम निकालना है। क्यों काम निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 8 men and 16 women कैन रिप द सेम फील्ड इन, तो ये कितने दिन में करेंगे, तो उसके उसके लिए आपको वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क कैसे निकलता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये वर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो ये टाइम है 14 days और ये 12 men क्या है, 1 man की एफिशिएंसी हमने निकाल दी है 3, तो 12 men की भी निकाल देंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका वर्क है, ये 12 men into 14 days = 18 men into 14 days, ये पूरा का पूरा क्या है आपका वर्क है। तो आप किसी में भी रख दीजिए, एफिशिएंसी से आपको वर्क निकल जाएगा। मैन के उसमें 3 रख दो, 12 3 = 36 हो जाएगा into 14, ठीक है। चाहे आप इसमें रखो चाहे इसमें रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 18 2 = 36, क्योंकि तभी तो वर्क इक्वल टू वर्क लिखा हुआ है
है ना। तो आप किसी में भी रखो, कोई दोनों में आंसर वर्क का सेम ही आएगा, उसमें कोई गलत नहीं है। 12 3 36 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 36 10 360, 36 4 जा, इसको सॉल्व कर लो, साइड में कर लेते हैं। 6 4 जा 24 का 2, 4 3 जा 12, प्लस 6 1 जा 6, 12 प्लस 1, 12 प्लस 6 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, 2 कैरी 3 1 जा 3, +2 504। तो वर्क निकल के आ गया हमारे पास 504। अच्छा कैसे निकला, जैसे ही हमने मैन के उसमें क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो ये हमें वर्क निकल के आ गया 504 यूनिट, ये काम करते हैं। अच्छा किन से काम करवाना है हमें, हमें काम करवाना है 8 मैन से एंड 16 वुमेन से। अब इस एंड का मतलब बताऊँ क्या होता है, इस एंड का मतलब होता है प्लस का 16 प्लस होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंड नहीं आया और आया, ठीक है, जो कि गलत लिखा हुआ था उन्होंने, क्वेश्चन वालों ने, सही में असल में और लिखना चाहिए था उन्हें, ठीक है, तभी आंसर को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब हमें मैन की एफिशिएंसी पता है 3 है, तो 8 × 3 +16 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी पता है तो कितनी है 2, 8 3 जा 24 +16 2 जा 32, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस करना है 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, तो ये 56 क्या निकल के आ गया, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। जैसे ही हमने मैन की एफिशिएंसी रखी तो 56 इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, तो ये आपका वर्क है ऊपर वाला, अपॉन में एफिशिएंसी हमने कर दी, तो हमें क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। अब 56 9 जा होता है 504, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 डेज। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया, तभी इतना टाइम लगा, अदरवाइज इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट होगा नोट करना है नोट कर लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो दोबारा से समझ लो अगर नहीं आया है तो। सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा से मत समझो, बैक करके समझ लेना स्टार्टिंग से, ठीक है, मतलब 42 क्वेश्चन के स्टार्टिंग से देख लेना, वरना ज़्यादा टाइम की वीडियो हो रही है, ठीक है, इसको रीसेट कर लेते हैं। आपका आंसर आ गया कितना, 9 डेज, ठीक है। एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एवरेज द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 30 40 50 60 70, तो इनकी एवरेज हाइट निकालनी है, तो जैसा आपको देख के ही लग रहा होगा 30 40, मतलब एक सेकेंड, 30 40 50 60 70, तो इसकी हाइट कितनी है, 50 ही है, ठीक है। कैसे निकालते हैं आप, निकालने का तरीका बता देता हूँ, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, इनकी हाइट निकालनी है, और कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5, अपॉन में 5 कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आपका 50। करके दिखा देते हैं, 30 प्लस 40 कितना होता है 70, 70 प्लस 50 कितना होता है 120, 120 प्लस 60 कितना होता है 180, 180 प्लस 70 होता है आपका 250, 250 अपॉन में 5 कितना होता है 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे बना देते हैं जगह। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स, किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। इसको करने के दो तरीके हैं, आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। एक तो आपका वही है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, एक आप इस तरीके से चल जाइए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए इसको कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, आ जाइए क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन वाला बोल रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 8 ईयर, तो लेट सपोज कोई मनी रही होगी 1 रुपीज, ठीक है, वो डबल हो जाती है, मतलब डबल हो गई तो कितनी हो गई, 2, है ना, डबल हो गई तो 2 हो जाएगी, तो ये कितना है आपका, ये आपका प्रिंसिपल है, और डबल होने के बाद आपका क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया, ठीक है, कितने का इंक्रीज आया, +1 का इंक्रीज आया, तो ये क्या है आपका, इंटरेस्ट है, ठीक है। आई है वो लिखा हुआ, मेरा तरीका है आई लिखने का, ये ऐसा लोग ऐसे लिखते हैं, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, अपने अपने तरीके हैं, ठीक है, 9 लग रहा होगा उसको, ढंग से ही लिख लेते हैं,
तो प्लस वन का इंक्रीज आया, मतलब एक इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, वन हो गया, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भी वन है, रेट कितना है? ये मैंने एज्यूम किया, हाँ सपोज किया कि वन रहा होगा, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। ठीक है, रेट कितना है वो तो हमें फाइंड करना है, टाइम हमें गिवन है 8 ईयर्स और 100 इसका ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 8 1 8 20, तो 8 2 16 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा 40, 8 5 40, तो रेट इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये 12.5 डिवाइड में है, दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई 12.5 से होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 12.5। और दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, जैसे इसी में हुआ, मतलब इसी यहीं से देखना, इसी को देखना, जैसे एक का इंक्रीज आया, मतलब एक था, एक का इंक्रीज आया, इंक्रीज किस में आया, वन पे आया है ना, ये मतलब एक का इंक्रीज आया इंटरेस्ट पे, ठीक है, प्रिंसिपल पे आया, तो प्रिंसिपल को हमने नीचे लिख दिया, और एक का इंक्रीज आया उसको हमने ऊपर लिख दिया, इसको हम कितने का इंक्रीज आएगा ऐसे निकाल सकते हैं। तो 100% का इंक्रीज आया, कितने साल में आया, तो 8 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसा कर लेना। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि अ मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹1000 एंड सेल्स इट फॉर ₹1500, हिज गेन परसेंट इज। कोई आदमी है, 1000 रुपये का सामान खरीदता है और कितने में बेच देता है, सॉरी 15,000 है, 1500 रुपये, ठीक है, 1500 में उसको बेच देता है, ठीक है, तो कितने रुपए फालतू में बेचा, बोलोगे 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो जिसमें होता है, किसमें होता है, कॉस्ट प्राइस में, ये आपकी क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, और ये है आपकी सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें वो आदमी खरीदता है, सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें वो आदमी बेचता है। अच्छा, प्रॉफिट हुआ तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में ही प्रॉफिट होता है, इंटू 100, 100 से क्या बन जाता है वो, प्रॉफिट परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, तो 500 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, तो 500 अपॉन में 1000 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 50%, 5 × 10 50% हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। आ जाओ 46th क्वेश्चन पे। 46th क्वेश्चन आपका वेरी इजी क्वेश्चन, आपको क्या पूछ रहा है, 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं। तो 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स में पहले कितने मिनट होते हैं, 3 आवर्स में 180 मिनट होते हैं, ठीक है, प्लस 45 मिनट करना है, कितना मिनट हो जाएगा, 180 प्लस 45 हो जाएगा आपका 225, ढंग से लिख देते हैं, 225 मिनट्स हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, 225 मिनट्स, अब आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 225 मिनट्स के सेकेंड निकालने हैं, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 का हमने 0 लिख दिया, 6 5 जा 30 3 कैरी, ठीक है, 6 2 जा 12 12 प्लस 3 हो जाएगा आपका 15, 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, 1300 मतलब 13,500 इज द राइट आंसर, 13,500 सेकेंड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके 47th क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 37 अपॉन में 100, मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट, पर मतलब डिवाइडेड, तो डिवाइड लिख दिया, और सेंट मतलब होता है 100, तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 140 इक्वल टू एक्स परसेंट, मतलब परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, इंटू ऑफ का मतलब होता है इंटू 840, ठीक है, इस 100 से ये 100 कट गया, क्योंकि ये वाला ये डिवाइड में है, डिवाइड वाला दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा, मतलब ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहीं पे काट दिया,
वैसे सेम आप ये 0 से ये वाला 0 भी काट सकते हो। वैसे आप ये 14 है, 14 की टेबल 84 से जाती है। 14 कितने जा 84 होता है, 14 फाइव जा 70, 14 सिक्स जा 84। अच्छा ये 37 नहीं था, सॉरी ये 37 नहीं था, ये था आपका 30। दिखाई नहीं जा रहा, एक सेकेंड, ये आपका, ये आपका 30 था ना, ये 30% लिखना था। ठीक है तो 6 5 30, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अक्सर ये गलती भी हो जाती है कि आप क्वेश्चन कुछ और देख पढ़ो, क्वेश्चन कुछ पढ़ो और लिखते वक्त कुछ और लिख दो, ऐसा भी कई लोग करते हैं, जैसा कि आपने अभी देख भी लिया है, कई लोग में मैं भी आ जाता हूँ। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6/20, इसको परसेंट में निकालना है। अच्छा परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, कोई फ्रैक्शन होता है उसको अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको, उसका तरीका है 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर कोई परसेंट होता है उसको अगर फ्रैक्शन में मल्टी, मतलब जैसे देखो अभी तो दिया हुआ था फ्रैक्शन में दिया हुआ था 6/20, इसको अगर परसेंट में बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो आंसर आ जाएगा 25 100, 6 5 30। ठीक है, तो मैंने इसकी आपको तरीका बताया कि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंट में ले जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब वो परसेंट बन जाएगा। अगर कोई परसेंट है उसको फ्रैक्शन बनाना है, लेट सपोज जैसे 30% था ना, ठीक है सॉरी एक सेकेंड ना, हाँ जैसे 30% था, ठीक है इसको अगर आपको फ्रैक्शन में बनाना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30/100 करना पड़ेगा आपको। ठीक है तो 3/10 ये बन जाएगा, ठीक है जो कि 6/20 भी 3/10 ही होता है, क्योंकि अगर अगर आप इसको काटोगे 2 की टेबल में कटेगा, 2 3 6, 2 10 20, तो 3/10। ठीक है, परसेंट से फ्रैक्शन में आने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और फ्रैक्शन से परसेंट में आने पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 4096 स्क्वायर रूट ऑफ, तो किसका स्क्वायर रूट होता है 4096। ठीक है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना, मतलब 4096 किसका होगा। तो देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सिक्स किसके स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में सिक्स आएगा, थ्री जैसे इस थ्री के लास्ट में, थ्री का स्क्वायर करते हो 33, इसके लास्ट में क्या है, थ्री है। ठीक है तो इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, नाइन आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी फोर का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है, सिक्स का स्क्वायर करते हो तो 36 आता है, तो सिक्स आता है लास्ट में, और फोर के लास्ट में भी सिक्स आता है, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और डी भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको निकालना कैसे, देखो 4096 है ना, तो इसका तरीका कैसा है, अगर आपको 64 का स्क्वायर नहीं पता, 96 का स्क्वायर नहीं पता, 24 का स्क्वायर नहीं पता, तो देखो इसको 60 मान लो एक टाइम के लिए, इसको 90 मान लो, इसको 20 मान लो। ठीक है, 6 का स्क्वायर तो पता है आपको कितना होता है, 3600। ठीक है क्योंकि 0 है तो 0 इंटू 0 से मतलब अगर 60 इंटू 60 करते हो तो कितना आएगा, 36, 0 0 2 0 जाएंगे और 6 6 36 हो जाएगा। वैसे 90 इंटू 90 करते हो तो 8100, वैसे 20 इंटू 20 करते हो तो 2 2 4 और 2 0 के 2 0, 9 9 81 और 2 0 के 2 0। अब देख लो कौन सबसे ज्यादा क्लोज है, 4096 सबसे ज्यादा क्लोज है, तो ऑप्शन में 660 के ज्यादा क्लोज होगा, तो ये 64 इज द राइट आंसर। आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, मतलब सैंपल पेपर का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है क्या क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 2 × 3 × मतलब मल्टीप्लाई 5 एंड 3 × 5 × 7 का एलसीएम कितना होगा। तो वेरी सिंपल, ठीक है जैसे 2 इस साइड है फिर 3 दोनों में है तो एक ही में लेंगे, क्योंकि एक ही बार 3 है, अगर किसी में 2 बार होता तो 2 बार ले लेते हैं। अच्छा 5 बार 5 भी एक टाइम्स और 7 भी एक टाइम्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका 50 में से कितना स्कोर हुआ, और कितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कितनी मेहनत आप डेली डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ये सब आप
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 50 में से आपका कितना स्कोर हुआ। साथ ही साथ बाकी दोस्तों का भी देख सकते हैं जो कि जिनका अभी एग्जाम है वो कैसा तैयारी कर रहे हैं और आपका कैसी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो जिस सेक्शन में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी हुई होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो 60 मिनट से पहले, मतलब क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 1 घंटे का होता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है, तो आपको ये देखिए 1 घंटे के अंदर ही ट्राई करना है कि सारा का सारा पेपर सॉल्व कर पाएं। क्वेश्चंस आपके पास 50 आते हैं, तो अपना स्कोर बताइए 50 आउट ऑफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ जिनका आपका जीडी का एग्ज़ाम है, मैं साथ ही साथ ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। अभी आज हमने जीडी के सैम्पल पेपर को डिस्कस किया, अगले दिन हम क्लर्क का भी सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्लर्क का, टेक्निकल का, सबका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आपकी 1 घंटे 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर प्रीसियस टाइम, और जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, तो उसको आपको करना है। ऐसा नहीं है कि सुन लिया तो कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कितना लेवल है, आपको किस सेक्शन में ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है और किस पे आपको ज़्यादा वर्क करना है। तो इसीलिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, और उसके बाद एनालिसिस करना है कि कौन से सेक्शन में आपकी गलती हो रही है और कैसे उसको सुधारा जाए, कैसे हम उस क्वेश्चन को टैकल करें। ठीक है, वो भी कम से कम समय में।